Alright, so this video is the demanded video. Yes, our viewer has demanded for this video. Then I thought why I should not make video on this topic instead of giving comment or answer in his question. So let's start it. So kya hoti hai dhara 482 of CRPC? So bilkul simple language mein, as I always say, so let's not wait any more time, let's not waste even a single second. So let's start it. Intro. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. So okay. तो ये धारा बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो रॉकेट साइंस इन्होंने बना रखी है लोगों ने, उनको कहते हैं उन्हें समझ में ही नहीं आती ये क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये एक इनहेरेंट पावर है कोर्ट की, किसकी? हाई कोर्ट की। इनहेरेंट पावर्स का एक पार्ट है, गॉट इट? क्या है? इनहेरेंट पार्ट है हाई कोर्ट की पावर्स का, गॉट इट? तो ये क्या करता है, ये एब्यूज़ को रोकता है, टू प्रिवेंट द एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। यानी कि अगर कोई गलत कार्रवाई हुई है, जैसे कि झूठी एफआईआर हो जाती है, आपने देखा होगा कि लोग झूठी एफआईआर करा देते हैं किसी के भी खिलाफ, गॉट इट? तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, जो उस एफआईआर को क्वेस्ट कराने के लिए हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है 482 की, तो वो ये सेक्शन होता है, इसके तहत वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज़ करके उस एफआईआर को क्वेस्ट कर देता है और वहाँ जो प्रोसेस होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो बंद हो जाती है। बट ये जब डलती है जब जो एफआईआर है वो फेक हो, गॉट इट? अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो एफआईआर हुई है मेरे खिलाफ बिल्कुल फेक है, क्योंकि मैं उस टाइम वहाँ प्रेजेंट था ही नहीं जो इन्होंने केस फाइल कर दिया, गॉट इट? तब ये आप एप्लीकेशन डाल सकते हो 482 की, तो ये धारा तब अप्लाई होती है, गॉट इट? ये आईपीसी नहीं है, ये सीआरपीसी है। सीआरपीसी स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, गॉट इट? तो ये एफआईआर को क्वेस्ट कराने के लिए होती है नॉर्मली, यानी कि जो भी कोई प्रोसेस चल रही हो तो हाई कोर्ट में से एप्लीकेशन डालते हैं, हाई कोर्ट उन्हें निचली अदालतों को ऑर्डर देता है क्वेस्ट करने के, गॉट इट? सो आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, बाय।